होंगे मस्त होंगे होंगे सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत्याल कनेक्टेड विद स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और आज के सेशन में हम क्या करेंगे आज के सेशन में हम करेंगे प्रैक्टिस ये है आपकी क्लास सेकेंड इसकी सी डी पी थर्टी बाय थर्टी सीरीज की जिसमें हम एक कंप्लीट सेट लगाते हैं जिस तरह से पेपर में अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के है ना तो आउट ऑफ थर्टी कितना आप स्कोर कर पाते हैं एंड में आप ये भी इवेल्यूएट कर पाएंगे अप, यानी अपना मूल्यांकन खुद से कर पाएंगे पेपर इसी तरह का आता है पैटर्न सेम है टॉपिक सेम है डिफिकल्टी लेव, लेवल भी ऑलमोस्ट सेम है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है क्योंकि तो कई बार किसी टॉपिक से आसान क्वेश्चन आ जाता है कभी कई बार किसी से दूसरे से मुश्किल आ जाएगा तो वो चीज़ वेरिएबल है अदरवाइज आप इस तरह के सेट दो चार छः जितने भी हम पेपर तक लगा पाए वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे सीटेट के अलावा भी चाहे सीटेट में आप पेपर वन पेपर टू क्योंकि सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन दोनों को भी ध्यान में रख करके हैं और अगर हम बात करें तो उसके अलावा भी जहाँ भी पैडागॉजी आती है ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे ठीक है जी मेरी बैक टू बैक होती है क्लासेस इसलिए आपकी क्लास जो है वो 9:15 9:20 शुरू हो पा रही है और कोशिश रहेगी कि कल से जो है नाइन ओ रख पाएँ सेशन बट वही है कि अभी देख क्यों हो पाएगा या नहीं बट 9:15 तो रखेंगे ही रात को नौ बजे लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे होपफुली और या कर चुके होंगे इसका जो पी होगा जो प्रीवियस पी डी एफ हैं अगर पेंडिंग है एक आद तो मैं देख लूंगी अदरवाइज तो आपको मिल चुके होंगे आंसर्स मार्क्ड होंगे उसमें है ना ये लेट्स लाइन स्क्वायर टेलीग्राम चैनल नौ लाख ,00 प्लस लोग जुड़े हुए हैं किसी भी फेक चैनल से फेक वेबसाइट से प्लीज़ मत जुड़िएगा अगर कोर्स लेने की इच्छा है तो करियर वेल ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे एनरोल करेंगे टीचिंग सेक्शन में जाकर के सी टेट के बैचेस में एनरोल आप कर सकते हैं आई थिंक बीपीएससी के बैचेस में एडमिशन ओपन होगा और पैडोगॉजी स्पेशल जिसमें मैं सिर्फ पैडोगॉजी कराती हूँ बाकी एग्जाम्स के लिए या डिटेल में पैडोगॉजी किसी भी एग्जाम के लिए सी को छोड़ के तो वो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं डी डी प्लस भी के बैचेस में भी एडमिशन ओपन है तो तीन चार पांच बैचेस हैं जिनमें जो है एक तो पता नहीं आज मुझे बोलने में क्या हो रहा है बैचेस हैं जिसमें आप एनरोल कर पाएंगे तो लेकिन सिर्फ करियरविल ऐप डाउनलोड करिए किसी भी वेबसाइट किसी भी फेक अगर वेबसाइट भी आप यूज़ कर रहे हैं तो करियरवेल डॉट कॉम ही कीजिए आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा उस चीज़ पे है ना सी टेट का कंप्लीट बैच वहाँ आपके लाइव हैं और सभी टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट लेते हैं मैं सीडीपी डील करती हूँ इसके बाद ना आपको कोई किताब लेने की सच कोई आवश्यकता पड़ेगी ना कोई प्रीवियस ईयर ना कोई मॉक टेस्ट सब कुछ बैच में ही है चाहे वो नोट्स हो चाहे वो कुछ और हो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है आप पोल में जवाब देंगे फटाफट से बिना देरी किए बताएंगे आप पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन द प्रिंसिपल ऑफ यानी बच्चों का जो विकास है वो कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है हमें पता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक अपने आप में टॉपिक है अभी कल परसों ही आई थिंक आज ही हमने कंप्लीट किया बैच में सीटेट वाले तो बाकी में हो चुका होगा तो अगर हम बात करें विकास के सिद्धांत विकास एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है उसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत लगते हैं कुछ नियम लगते हैं जैसे देश एक बहुत बड़ी अपने आप में एक आ, तंत्र है तो उसको समझने के लिए इजी बनाने के लिए हमने क्या किया हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आए कुछ नियमों को लेकर के आए तो इसी तरह से प्रिंसिपल्स भी डेवलपमेंट को ठीक से समझने में हमारी मदद करते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं डेवलपमेंट के बारे में तो इसके प्रिंसिपल्स में से कौन सा एक प्रिंसिपल सही है सैकड़ों प्रिंसिपल हैं जिसमें से दस बारह पंद्रह हम करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी का पैटर्न प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी एक डेवलपमेंट में यूनिफॉर्मिटी होती है यूनिफॉर्मिटी किसकी सबके लिए एक रूप है नहीं भाई डिफरेंसेस भी हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न लिखा होता तो हम कह देते यही ऑप्शन ठीक है एक रूपता किसकी पैटर्न की कि पहले बच्चा खड़े होना सीखता है फिर चलना सीखेगा फिर दौड़ना सीखेगा उससे पहले बैठना सीखेगा ऐसा नहीं हो सकता पहले बच्चा दौड़ना सीख ले बाद में चलना सीखे है ना तो वो पैटर्न तो सेम है सारी दुनिया के बच्चों के लिए कि सारी दुनिया में बच्चों के पहले दूध के दांत आते हैं बाद में पक्के दांत आते हैं ये पैटर्न है डेवलपमेंट का यूनिफॉर्म है सबके लिए एक जैसा है जैसे यूनिफॉर्म होती है स्कूल में लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं यूनिफॉर्मिटी हर चीज में थोड़ी है इवन चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट हर एक कल्चर में सेम नहीं है है ना तो ये बात कहना गलत होगा खाली यूनिफॉर्मिटी लिखने से काम नहीं चलेगा तो ये गलत हो जाएगा वन डायमेंशनलिटी भाई मल्टी डायमेंशनल होता है बहुआयामी होता है विकास ये पहले दिन ही हम डिस्कस करते हैं क्लासेस में

ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति सिर्फ दो प्लस दो चार होते जाएंगे डेवलपमेंट में या लर्निंग में किसी दिन आप ज्यादा सीखते हैं किसी दिन कम सीखते हैं आगे पीछे आगे पीछे ये प्रक्रिया चलती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है ये बात एकदम सही है जिसको हम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से भी जोड़ सकते हैं कि व्यक्ति जो है व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है अपने रूप रंग यानी अपने रूप रंग साइज शेप एटीट्यूड एप्टीट्यूड इंटरेस्ट सबकी रुचि सेम नहीं होती सबका इंटेलिजेंस का, का स्तर सेम नहीं होता तो बहुत सारी चीजों में एज सेम नहीं होती तो बहुत सारी चीजों में विभिन्नता पाई जाती है यानी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है मुझे सेब पसंद है जरूरी नहीं आपको सेब पसंद हो आपको संतरे पसंद हो सकते हैं आपको कुछ और पसंद हो सकता है तो ये क्या हुआ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला है और जो प्रिंसिपल में आता है डेवलपमेंट के तो डी ऑप्शन ही सही है पहला ऑप्शन आपको फंसाने के लिए था यूनिफॉर्मिटी देख के कई लोग टिक लगा देंगे जो कि गलत है क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा अजर्शन और रीजन कथन और कारक वाले प्रश्न खूब आते हैं पेपर में चार पांच छह तक भी आ जाते हैं तीस में से क्या है? Totally यानी एक बच्चे के शारीरिक विकास की जो दिशा है कि शरीर ऐसे विकसित होगा, पूरी तरह से जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। कोर्स ऑफ फिजिकल कोर्स ऑफ अ चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास पूरी तरह से सुनिश्चित है समय के जन्म के समय ही जबकि इंडिविजुअल डिफरेंसेज है खाना कैसा मिलेगा एनवायरमेंट कैसा मिलेगा कैसी ट्रेनिंग मिलेगी बच्चे को है डिट, है गुण तो चलो पहले से निर्धारित होंगे लिख तो ये ये हम नहीं कह सकते कि भैया निर्धारित हो जाता है जन्म के समय पे बिल्कुल गलत बात हो जाएगी हेरिडिटी इज दी ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हेरिडिटी एकमात्र फैक्टर है यानी आपकी अनुवांशिकता आपका जेनेटिक्स जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है दोनों ही बातें सिरे से नकार दी जाएंगी क्योंकि गलत है भाई सुनिश्चित हो जाएगा जन्म के समय फिर एनवायरमेंट का कैसे आपको पता है अगर बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो स्पोर्ट्स में भी जा सकता है अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा अच्छा पोषण मिलेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा नहीं मिलेगा तो नहीं होगा हम कैसे डिटर्मिन कर दें जन्म के समय वो तो जन्म के बाद की बातें हैं ना जन्म के समय तो सिर्फ हेरिडिटी ही फिक्स है तो ये दोनों बातें गलत है बोथ ए एन आर आर फॉल्स तो इस तरह के क्वेश्चन में तो ईज रहती है हमें कि दोनों ही गलत है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि आर सही है कि ए सही है दोनों ही गलत है जो कि आप लोग सेवेंटी थ्री परसेंट लोग सही जवाब दे भी रहे हैं वेरी गुड क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है ये कह रहा है ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड मिडिल का मतलब है पांच से ग्यारह पांच से आठ मतलब अर्ली और लेटर के बीच की स्थिति है मिडिल चाइल्डहुड तो मिडिल चाइल्डहुड यानी मध्य बाल्यवस्था के दौरान डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बट सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन अब आपको बताए प्राइमरी एजेंसी सिर्फ फैमिली ही हो सकती है या फिर आपके क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं डिपेंड करेगा ऑप्शन पे बट फैमिली तो निश्चित है कि प्राइमरी में ही आएगा ठीक है ना तो ड्यूरिंग मिडिल चाइल्ड फैमिली द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बट सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन जो कि आपके आस पड़ोसी हो सकते हैं दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं वो भी महत्वपूर्ण तो है अब यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन्होंने मध्य बाल्यवस्था लिख दिया कुछ भी लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर आप पढ़ेंगे मध्य बाल्यवस्था के दौरान डैश जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है क्या है सामाजिकरण का ऑप्शन पे जाइए परिवार पियर्स हैं प्राथमिक कारण मीडिया है विद्यालय है नहीं ये सब सेकेंडरी है गौड़ है तो आपको एक ही ऑप्शन बचता है बाकी ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए सेकंड ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है है ना कि फैमिली ही प्राइमरी है बाकी कहीं और तो फैमिली है ही नहीं तो प्राइमरी तो फैमिली होती है सेकेंडरी बाकी सब आ जाएंगे नेबरहुड का प्रेस का मीडिया का स्कूल का स्कूल तो सौ परसेंट ही सेकेंडरी होता है तो प्राथमिक जो कारक है कि समाज के नियम कायदे कानून कैसे सीखेंगे तो सबसे पहले परिवार मिनिएचर वर्जन है समाज का समाज का छोटा रूप है तो वहीं से सीखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन यहां सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा एक बार ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर फोर कहता है एज पर जीन प्याजे प्याजे के अनुसार चिल्ड्रन एक्वायर द एबिलिटी टू परफॉर्म एबस्ट्रैक्ट रीजनिंग अमूर्त चिंतन जैसे ये वर्ड एब्सट्रैक्ट आ जाए समझ जाओ लास्ट स्टेज की बात हो रही है फॉर्मल ऑपरेशनल ग्यारह से पंद्रह वर्ष प्याजे की चार स्टेजेस है एसपीसीएफ से आपको याद रखना होता है सेंसरी मोटर जन्म से दो वर्ष प्री ऑपरेशनल दो से सात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल सात से ग्यारह और फॉर्मल ऑपरेशनल इलेवन टू फिफ्टीन ईयर ये चार स्टेजेस है सम पीपल कांट फोकस से आप याद रख सकते हो सिंपल फंडे मैंने आपको बताए हुए हैं तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है अगर लॉजिकल थिंकिंग सबसे पहले कब आती है तो लॉजिक सबसे पहले कॉन्क्रीट में आता है सात से ग्यारह में ठीक है ना ये एसपीसीएफ यही सीक्वेंस है सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल बात इतनी सही है नहीं है बिल्कुल सही है चलिए फिर आगे बढ़ेंगे निशा आप पोल दे दीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए देखिएगा इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या कहीं कुछ हो रहा हो तो बताओ कोई कह रहा है मैम आप वही एक चीज बार बार पढ़ाते बोर नहीं होते देखिए थोड़ा बहुत तो होता ही है ऑफ कोर्स अब सिलेबस आपका सी टाइट में चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं है ना लेकिन आ, ऐसा नहीं है आप क्रिएटिविटी uh, जिसको कहते हैं हर बार सेम चीज नए तरीके से बताई जा सकती है नए एग्जाम्पल्स का प्रयोग किया जा सकता है तो बहुत ज्यादा बोरियत तो नहीं बट थोड़ी बहुत तो कभी कभी लगता है कि यार सिलेबस चेंज कर दो जब चेंज हो ही सकता है तो है ना तो अब तो आपको भी याद हो गया है कि क्या पूछा है और क्या जवाब देना है तो ये तो नेचुरल है टीचिंग में ये चीज तो होती ही है है ना अब ये तो वैसे सी ही बात है कि आ, बस अब मैं इस पर ज्ञान देने का मन नहीं कर रहा मेरा कभी और दूंगी क्वेश्चन नंबर फाइव देखो कि किसी से आप पूछो किसी भी काम में रेपिटेशन तो होता ही है ना विराट कोहली से ये थोड़ी पूछो कि बैठ घुमा घुमा के बोर नहीं होते हो क्या है तो नई चीजें भी होती हैं हर बार आप लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं कई बार तो उस तरह से समझाने में मजा आता है ये तो ड्यूटी है ना कि आपको हेल्प मिलेगी इस चीज से तो करने में मजा आएगा इस चीज को चाहे रिपीट हो रहे हो टॉपिक्स हर बार नए तरीके से नई डेप्थ में जाके समझाएंगे देखिएगा इन जीन इन जीन द टेंडेंसी टू सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसिस ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन व्यू पॉइंट इज रेफर्ड टू एस जीन प्याजे के सिद्धांतों के अनुसार दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है बताइएगा यानी सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसिस ऑफ अदर्स फ्रॉम ओन व्यू पॉइंट यानी आप दुनिया को अपनी ही नजर से देख रहे हैं अपने ही व्यू पॉइंट से देख रहे हैं इसको ईगो कहते हैं क्या होता है? होता है है जीववात जब आप नॉन लिविंग चीज को लिविंग मानते हैं यानी निर्जीव चीज को जब आपको लगे पेन में भी जान है है ना पेन से चोट लगी है बच्चे को जमीन से चोट लगी है, हम कहते हैं चीटी मर गई चीटी मर गई उसको लगता है इसमें भी जान है टेबल से चोट लगी वो लगे अरे टेबल को पीट दिया मेरे बच्चे को मारेगी तो वो क्या एनिमिज्म यानी जीववाद उसको लग रहा है नॉन लिविंग है चीज में भी जान है नॉन लिविंग को भी वो लिविंग समझता है तो यह आत्मकेंद्रता है जब वो खुद को सेंटर में लगता है उसको लगता है जो चीज मुझे पसंद है वही मेरे पिताजी को होगी वही मेरी माता को होगी अडेप्टेशन है जब आप सिचुएशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इसी के अंदर आता है एनिम इक्शन इक्लिब्रेशन है बैलेंस का स्टेट जो आपके दिमाग में और जो दुनिया में है दोनों क्या है बैलेंस में है ठीक है ना चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है भाई अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थियरी कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट है कम से कम दो क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले दो बार से अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन सबसे आ, मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार द लेवल इन विच मॉरल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड पनिशमेंट एंड द पावर ऑफ अथॉरिटी फिगर्स इज कॉल्ड यानी वह स्तर नैतिकता का सही और गलत का वह स्तर जहां बच्चा सही और गलत इस बात से निर्धारित करेगा कि बाहर से डांट पड़ेगी अथॉरिटी से या नहीं पनिशमेंट मिलेगी कि रिवॉर्ड मिलेगा तो ये पहला ही स्तर है प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं उसको पूर्व पारंपरिक अवस्था सिंपल बात है इसमें दो लेवल है एक पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज जिसको टिट फॉर टेट कहते हैं हर एक लेवल पे दो दो स्टेजेस हैं टोटल सिक्स स्टेजेस हैं तीन लेवल हैं ठीक प्री प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल फॉर्मल कन्वेंशनल कुछ नहीं होता ठीक है तो बी ऑप्शन यहां सही हो गया आसान सा जवाब है क्वेश्चन नंबर सेवन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखेगा द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स ज इन कॉग्नेटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधन भाई संस्कृति से भाषा मिलती आप जिस संस्कृति से है उसी तरह की भाषा बोलेंगे ठीक है ना तो ये जो सांस्कृतिक साधन है भाषा इसको महत्व दिया गया है किसने अपनी किस थ्योरी में आपको पता है सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज एस सी एल जैसे बीपीएल कार्ड होता है ऐसे आपको याद किया कराया हुआ है एस सी एल समाज संस्कृति और भाषा ये तीन बात कहां हुई है प्या, प्याजी की थ्योरी में नहीं की थोरी में ठीक है ना क्योंकि सोसाय कल्चर की बात हो रही है तो वाइगो की इन हिज वॉट सोशियो कल्चरल इसलिए इनका नाम याद होना जरूरी है जिसको यह नहीं पता कि वाइगोस्की को कहते क्या है तो गड़बड़ होगी सोशियो कल्चरल सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं जबकि ये थ्योरी किसकी है कॉग्नेटिव डेवलपमेंट की दिमाग के विकास की प्याजे की थ्योरी को तो हम कहेंगे प्याजेज कॉग्नेटिव डेवलपमेंट प्याजे का संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बट वाइकॉस की थ्योरी का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है उनकी थ्योरी का नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है या अप्रोच है तो फर्स्ट ऑप्शन यहां व्यवहारवादी भाई बेहरिस्टिक तो है नहीं वाइकॉस क्या है रचनावादी है कंस्ट्रक्टिविस्ट है तो पहला ही ऑप्शन यहां सही हो गया चीजों को समझना है रट्टे नहीं लगाने हैं नहीं तो दिक्कत हो जाएगी पेपर में क्योंकि नए तरीके से पूछेगा और आप घूम जाएंगे क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा लेव बाइगॉस्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन लेव लेगॉस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे पहला ऑप्शन है लर्न पैसिवली थ्रू दी प्रोसेस ऑफ रेपिटेशन एंड रिकॉल देखो बच्चों को कभी भी पैसिव नहीं रख पाएंगे वाइगॉस क्योंकि वो एक्टिव रखेंगे चाहे प्याजे हो चाहे वाइगॉस्की हो रचनावादी हैं दोनों तो बच्चे को रचना करने पे फोकस कराएंगे एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे सक्रिय रखने पे पैसिव नहीं रख सकते हैं बच्चे को बच्चा जहां पैसिव है निष्क्रिय इसका मतलब वाइगॉस बात नहीं कर रहे उसके बारे में या प्याजे बात नहीं कर रहे कोई भी नहीं कहेगा कि बच्चों को निष्क्रिय रखो स्पेशली आज के समय में अगर कोई भी जवाब आपको पैसे रखने को कह रहा है बच्चे को वो आंसर गलत है गो थ्रू एट सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट के संज्ञानात्मक विकास के आठ क्रमिक चरण दिया एट स्टेजेस दी है इन्होंने दिएगोस्की ने कोई स्टेज नहीं दी ये तो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस है डेवलपमेंट एज की तो इन्होंने बात ही नहीं की प्याजे ने दिए वो भी चार स्टेजेस आठ नहीं एट स्टेजेस किसने दिए एरिक्सन ने बट आपके लिए सीटेट में काम करनी है ना वो भी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट की नहीं है वो उनकी साइको सोशल स्टेजेस है विकास की थर्ड है हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट दैट इंक्लूड्स थिंग्स दे आर एबल टू डू विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स यानी बाइकोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वो चीजें शामिल होती हैं जो दूसरों के समर्थन में यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन पे आप अटक रहे हैं किसी से आपने हेल्प ले ली लेट्स लर्न पे वो टॉपिक समझ लिया तो ये आपके लिए स्कैप फोल्डिंग हो गई है ना तो ये है जो वाइगॉस की जिसकी बात करेंगे कि पोटेंशियल है व्यक्ति में यदि सपोर्ट मिल जाए सपोर्ट को क्या कहते हैं टेम्प्रेरी सपोर्ट को स्केफ फोल्डिंग कहते हैं फोर्थ ऑप्शन है आर बोर्ड विद फिक्स्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ये कह रहे हैं कि जन्म के समय ही निश्चित बौद्धिक क्षमता होती है कि वह बढ़ी नहीं सकती यानी जन्म के समय या तो बच्चा आइंस्टीन पैदा हो जाएगा या फिर बिल्कुल बुद्धू होगा बुद्धि बुद्धू बोले तो बिल्कुल उसका मेंटल पावर्स जो है एकदम खत्म होंगी जीरो टू ट्वेंटी फाइव आईक्यू की टाइप की बात होगी वो नहीं है यहाँ तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ये कह रहे हैं आप पोटेंशियल को बढ़ा सकते हो अपने दिमाग आपका विकसित होता है इसके साथ तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन देखिएगा फटाफट से ये क्या कहता है इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रगतिशील कक्षा लर्निंग बाय डूइंग याद कीजिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन याद कीजिए बाल केंद्रित शिक्षा जहां बच्चा सेंटर में है आपको तीन फंडे बताए हुए हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के सी सी एल यानी ये मानती है कि बच्चा जन्म से ही क्यूरियस है जिज्ञासु है जन्म से क्रिएटिविटी की क्षमता रखता है क्रिएटिव है यानी रचनात्मक है कुछ नया करने की क्षमता के साथ पैदा होता है और एबिलिटी टू लर्न एल फॉर एबिलिटी टू लर्न सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है ये तीन बातें प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा मान के चलती है और इसमें बह, बहुत महत्वपूर्ण यो, योगदान है फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है जॉन डु या जॉन डीवी जिन्होंने शिकागो में अमेरिका के शिकागो में स्कूल्स खोले जिनको लैब स्कूल्स कहा गया यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स कहा गया ये पेपर में आ चुका है सीटेट में लैब स्कूल किसको गया, तो लैब कहा गया तो प्रोग्रेसिव स्कूल्स को लैब स्कूल्स कहा गया तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है ये नहीं है कि अब नहीं पूछा जा रहा तो पूछा नहीं जा सकता सिलेबस में ही है ना एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका कैसी होगी जो बच्चों को एक्टिव रखे फॉलोज लर्निंग बाय डूइंग मिल गया हमें अपना आंसर बेस्ड ऑन दी चाइल्ड इंटरेस्ट बच्चे की रुचि के हिसाब से बच्चों को एक्टिव रखे फिर भी बाकी तीन ऑप्शन पढ़ेंगे

अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करना बच्चों को सेंटर में रखना बच्चों को एक्टिविटी कराना बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर है ये एक सिंपल फंडा है जो पेडागोजी में लगभग हर क्वेश्चन पे लागू हो जाएगा क्वेश्चन और मैं कई साल से बात करते हुए आ रही हूं क्वेश्चन नंबर टेन देखो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ खुद को समझने की क्षमता एंड नो वंस थॉट खुद के विचारों को समझने की क्षमता या जानने की क्षमता खुद के इमोशंस कि मुझे खराब महसूस हो रहा है अच्छा महसूस होता है कब अच्छा महसूस होता है कब खराब महसूस होता है किस चीज में मैं इंजॉय करता हूं कौन से सब्जेक्ट को ये सारी जो क्षमता है ये जानने की क्षमता अपने बारे में ठीक है ना रागिनी फीलिंग अपनी फीलिंग्स को अपने मोटिव को ये किस में आएगी खुद की बात चल रही है सेल्फ ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आएगी सेल्फ की बात इंट्रापर्सनल में आएगी ये तो सिंपल आंसर है इसका इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल यहां अदर्स लिखा होता है दूसरों के विचार या खुद की जगह दूसरों की बात होती तो इंटरपर्सनल हो जाता है ना अंतर, -व्यक्तिक, अंतर -व्यक्तिक हो जाता ये अंतर -व्यक्तिक है ये यानी खुद खुद को जानना इसमें फिलोसोफर्स आ जाएंगे इंट्रा, इंट्रा मतलब सेल्फ खुद के इमोशन खुद की फीलिंग्स है ना फिलोसफर्स टाइप के लोग इसमें आएंगे अगर हम बात करें म्यूजिकल इंटेलिजेंस की तो जो म्यूजिक की धुन बना सके स्पेशल इंटेलिजेंस में आप विजुअल स्पेसिस को समझ पाते हैं आर्किटेक्ट वगैरह आ जाएंगे म्यूजिकल में ए रहमान सोनू निगम सोश लता जी सोशल इंटेलिजेंस ये हमारी जो हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है उसमें अलग से नहीं है इंटरपर्सनल में ही सोशल इंटेलिजेंस शामिल हो जाएगा तो ये हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस है बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसमें आठ प्रकार की बुद्धि है एज पर एनसीआर सोशल मीडिया सॉरी इस पे गूगल वगैरह पे मत फोकस कीजिएगा एनसीआरटी आठ ही मानती है आपको इंटरनेट वगैरह पे कई लोग ये भी बता देंगे ग्यारह है बारह है ऐसे तो बहुत सारी है तेरह भी हैं बट आपके काम की ग्यारह है जो एनसीआर में गिवन है तो मल्टीपल इंटेलिजेंस इसको आई का सिद्धांत कहते हैं गार्डनर गार्डनर ने दिया है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बहुबुद्धि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बुद्धिमान हो सकते हैं इन्होंने आईक्यू को नकारा कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चों को आप सेम तरीके से पढ़ाइए जिसमें जो बुद्धि है उस चीज पे फोकस कीजिए जैसे आठ प्रकार आपको पहचानना है कौन सी बुद्धि किससे जुड़ी हुई है जैसे ये बॉडी स्मार्ट बॉडी स्मार्ट किसको कहेंगे बॉडीली बॉडिली को ठीक है ना ये है पीपल स्मार्ट पीपल स्मार्ट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को वर्ड स्मार्ट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को भाषक बुद्धि लॉजिक स्मार्ट लॉजिको मैथमेटिको गणितीय बुद्धि सेल्फ स्मार्ट इंट्रापर्सनल जो अभी क्वेश्चन में था नेचर स्मार्ट नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पिक्चर स्मार्ट विजुअलिस्टिक या विजुअल या स्पेशल इंटेलिजेंस जिसमें आर्किटेक्ट या आपके इंटीरियर डेकोरेटर गूगल वाली दीदी ये सब आ जाएंगे है ना म्यूजिक स्मार्ट म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो ये आपको समझना है कौन किसमें स्मार्ट है आठ प्रकार की इंटेलिजेंस यहां पे गिवन है चलिए आगे बढ़ते हैं ये एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिएगा वाइगॉस्की से ही क्वेश्चन है और जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिएगा और जवाब दीजिएगा ये क्या कहता है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की यानी वाइगॉस्की की अगर हम माने तो पहला ऑप्शन है लैंग्वेज एंड कॉग्नेटिव डेवलपमेंट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर यानी भाषा और संज्ञान भाषा और दिमाग का विकास आपस में जुड़े हुए नहीं है जबकि ऐसा नहीं कहते वो तो कह रहे हैं जो दिमाग का विकास है ये भाषा समाज यानी सोसाइटी कल्चर यानी संस्कृति और लैंग्वेज की वजह से ही हो रहा है तो वो तो इंटर रिलेटेड कहते हैं वो नहीं कहते ऐसा कि इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज एंड कॉग्नेटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर यानी एक दूसरे से स्वतंत्र है भाषा का दिमाग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये बात एकदम गलत है ये तो लैंग्वेज को ्यूम का ग्रेटेस्ट टूल कह रहे हैं एक यंत्र कह रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं ये लैंग्वेज ही तो है जिसके माध्यम से मैं आपको अपनी बात समझा पा रही हूं आप अपनी बात कह पा रहे हैं कॉमेंट्स में किताबें पढ़ के आप अपनी समझ विकसित कर पा रहे हैं है ना किसी के ज्ञान की, की बातें सुन करके है ना कोई भी आप अच्छी से अच्छी किताबें किसके माध्यम से पढ़ पा रहे हैं भाषा के माध्यम से किसी से चर्चा कर पा रहे हैं आपका दिमाग बेहतर हो रहा है कैसे भाषा के माध्यम से तो भाषा तो हमारी समझ को विकसित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एज पर वाइगॉस की लैंग्वेज फैसिलिटेट्स दी शेयर्ड एक्सपीरियंसेस नेसेसरी फॉर बिल्डिंग काग्नेटिव प्रोसेस यानी आपके संज्ञान आपकी समझ को बेहतर करने के लिए भाषा हमें अनुभव प्रदान करती है हमें हेल्प करती है यह बात एकदम सही है फोर्थ ऑप्शन क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर कॉग्नेटिव डेवलपमेंट ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है फिर कॉग्नेटिव डेवलपमेंट उसके बाद आएगा इन्होंने कहा है क्या वो तो थॉट और लैंग्वेज की बात है और इन्होंने कहा लर्निंग से कॉग्नेटिव डेवलपमेंट ये नहीं कहा कि पहले लर्निंग ही होगी और फिर काग्नेटिव डेवलपमेंट होगा जाकर के भाषा का ही लर्निंग में सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं आता लर्निंग किसी भी प्रकार की हो सकती है तो ये बात बन नहीं पा रही है इसलिए थर्ड ऑप्शन ही यहां सही है तो यह आपको कंफ्यूज करने के लिए अच्छे ऑप्शन दिए हुए थे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिएगा और जवाब दीजिएगा यह कहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग और क्या है भाई आपका एज लर्निंग ये तीन प्रकार जरूर पूछे जाते हैं इनमें से तीन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है

इसलिए कि आपको पता लगे कि वो कितना तैयार है किसी चीज को सीखने के लिए दोनों बातें पॉजिटिव है लेबल करना नेगेटिव है सिंपली सेकंड और थर्ड सही आंसर हो गया सेकंड चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर देखिएगा बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिएगा ये क्या कह रहा है भाई देखना एक बार बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है कहा जा रहा है कि जो लड़के हैं वो तो बुद्धिमान होते हैं और लड़कियां तो सिर्फ आज्ञा का पालन करने के लिए बनी है ये कैसी बात है ये बेवकूफी की बात है जिस बेवकूफी को हम क्या कहेंगे स्टीडियो कहेंगे ठीक है ना तो इसका जवाब तो आप लोग वैसे ही दे देंगे ये तो आप अब उतने समझदार हो ही गए स्टेटमेंट दैट बॉयज आर इंटेलिजेंट वाइल गर्ल्स आर इज एन ऑफ यह कथन की लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं है ये किसका उदाहरण है भाई दोनों ही इंसान है ना दोनों में दिमाग होगा दोनों में तर्क करने की क्षमता होगी दोनों में डिसीजन मेकिंग होगी कॉगलेटिव डेवलपमेंट की जितनी भी चीजें दोनों में होती हैं बल्कि हम कहते हैं गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज यानी रिसर्च ये मानती है पूरी तरह से कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी मेच्योर होती हैं मेच्योर होती हैं वो हर तरह से होगा उसमें चाहे उनके थिंकिंग हो रीजनिंग हो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो डिसीजन मेकिंग हो मेमोरी uh, हो परसेप्शन हो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो तो लड़कियों में भी है लड़कों में भी है है ना तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां सिर्फ से पालन के लिए बनी है अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है ये बाय डिफॉल्ट नहीं है हमारे अंदर नेचुरल नहीं है ये चीज तो ये क्या हुआ ये एग्जाम्पल है किसका जेंडर स्टीरियोटाइप का क्योंकि ऐसा मानते आए हैं कुछ लोग है ना जेंडर रूढ़ीवाधिता का उदाहरण है कि प्री कंसीव्ड नोशन है ठीक इक्वेलिटी इसमें कुछ नहीं है कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इक्विटी तो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक भी इक्विटी जब हम नीड के हिसाब से समझ रहे हो चीजों को अभी कल परसों ही पढ़ा था टॉपिक बैच में असेसमेंट शुड बी आकलन किस प्रकार का होना चाहिए यह पूछा है ओनली क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक के इतने परसेंट नंबर आए ऐसा होना चाहिए आकलन या फिर कॉम्प्रीहेंसिव व्यापक यानी उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है स्कोलेटिक व सह शैक्षिक सहशैक्षिक क्या बच्चे का दौड़ना भागना कूदना उसकी हॉबीज सब कुछ है और आपके सब्जेक्ट्स भी हैं दोनों को मिलाकर के यानी कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक मूल्यांकन सीसी यही कहता है ना क्वान्टुअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्डाइज में तो सिर्फ आप एक ही तरीके से मापेंगे समेटिव क्यों फॉर्मेटिव भी होना चाहिए जिसमें फीडबैक मिले तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बहुत व्यापक होना चाहिए सिंपल बात है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर

कंपेयर कराने से थोड़ा ना इंप्रूवमेंट हो जाएगी टू एन करके शर्मा जी के बेटे से अच्छा कर लो, वर्मा जी की बेटी से अच्छा कर लो कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना जी नहीं करेंगे सब में नेगेटिव है बस फोर्थ ऑप्शन ही एक पॉजिटिव बचता है टू इंप्रूव दी प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार की कहां आवश्यकता है कहां टीचर अपने मेथड्स को परिवर्तन लाए अपने मेथड्स में चेंज लाए अपने अप्रोच में चेंज लाए कौन से एग्जाम्पल्स चेंज करें किस बच्चे को कैसे समझ में आता है बच्चा अपने अंदर क्या चेंज करे ये सारी चीजें पता लगती हैं जब हम आकलन करते हैं जब आप ये नंबर का टेस्ट लगाएंगे और आप देखेंगे कि किन टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है तो क्या होगा आपको पता लगेगा कि कहां चेंजेस की जरूरत है तो फीडबैक के लिए होता है आकलन ना कि ठप्पा लगाने के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिएगा इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेसेस ऑन पांच नंबर का टॉपिक है समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा किस पर बल देता है ये पूछा है हमसे पहला है पोटेंशियल ऑफ ईच स्टूडेंट हर बच्चे के अंदर जो छिपा हुआ पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल के लाने में इंक्लूसिव का मतलब ही है एजुकेशन फॉर ऑल हर बच्चे के लिए शिक्षा बात तो ठीक है यानी जो गैप रह गए हैं सीखने में उनको कमियों की तरह देखना कमियों की तरह नहीं देखना उनपे काम किया जा सकता है इस रूप में देखना तो बच्चे में कमी थोड़ी ढूंढते हैं हम सी ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन असेसिंग कॉगनेटिव स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी हम ये कहें जो नंबर ज्यादा लेकर के आ रहा है एकेडमिकली वो उसका दिमाग सही चलता है अदरवाइज बाकी लोग खराब हैं तो ये एकदम खराब अप्रोच हो जाएगी हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट ना हो उस सब्जेक्ट में हो सकता है उसको समझ नहीं आ रहा हो पेपर में कैसे लिखना टॉपिक उसको आता हो तो ये कहना एकदम गलत तरीका है फोर्थ ऑप्शन है सेटिंग सेम पैरामीटर्स ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ ईच चाइल्ड हर बच्चे से सेम एक्सपेक्टेशन रखना बेवकूफी हो जाएगी क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं तो उनकी क्षमताएं भी अलग अलग होंगी उनके इंटरेस्ट यानी उनकी रुचि भी अलग अलग होंगी उनका एप्टीट्यूड उनमें जो क्षमता है वो भी अलग अलग होगी तो पहला ही ऑप्शन है हर बच्चे के अंदर जो भी पोटेंशियल छिपा हुआ है वो जितना बेहतर कर सकता है उसको बेहतर करने का माहौल देना क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखिएगा बड़ा सवाल है अजर्शन रीजनिंग का फटाफट से जवाब दीजिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे कथन पढ़िए कारण पढ़िए और फिर जवाब दीजिए इतने में थोड़ा दो बूंद जिंदगी की आई I मीन mean, पानी पी लेती हूँ और जल ग्रहण कर लीजिए थक गए होंगे जल ग्रहण कर लीजिए ये भी तो मीम चल रहा है आजकल देखा तुमने नहीं कोई बात नहीं अरे वो विवाह मूवी का है नहीं वो हाँ। मतलब आजकल मीम कल्चर ने पता नहीं क्या एक अब तो एक एक शब्द मन से निकलता है और मैं कुछ टाइम से मतलब पिछले शायद चार पाँच छः महीने से इंस्टाग्राम पे रील्स थोड़ा बहुत देख लेती हूँ ऊपर तो से तो दिमाग में रह जाती हैं चीजें फिर तो हर एक लाइन पे एक नीम याद आता है है ना मैं सोचती हूं जिनको बहुत सारे काम करने अभी पढ़ाई लिखाई करनी है उनके लिए कितना डिस्ट्रैक्टिंग है बहुत सारी चीजें अगर इतना डेटा हमारे दिमाग में भर जाएगा खैर जिसको करना है वो कर ही लेगा देखो अच्छा रागिनी

वो भी सीख सकता है ये मानना यदि टीचर का होगा तो बच्चे भी पॉजिटिवली सीख पाएंगे क्यों क्योंकि टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों से या टीचर्स का जो बिलीफ है अबाउट चिल्ड्रन एंड देयर एबिलिटीज बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है यदि टीचर कहे कि नहीं तुम कर सकते हो या तुम करो तो सही मेहनत तो बच्चा भी अपने बारे में ये महसूस करता है वो भी कोशिश करेगा तो टीचर्स का जो बिलीफ है वो एक्सपेक्टेशन हेल्पफुल होती है सीखने में तो ये दोनों ही बातें एकदम सही है फर्स्ट इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन पर ये क्या कहता है फटाफट से देखिएगा फिलिंदा ब्लैंक्स खेलने की बात हो रही है फटाफट से जवाब दीजिएगा हेलो सुष जवाब लो क्वेश्चन का हाय हेलो में जीवन निकल जाएगा नहीं तो बिल्कुल होगा जब पढ़ोगे शाम तो अपने आप एग्जाम क्लियर होगा भाई सही तरीके से पढ़ोगे जब प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टेंट प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टेंट इन डैश फैसिलिटेट्स डैश मल्टीपल वेज में प्रेजेंट करना कॉन्टेंट को फैसिलिटेट करेगा लर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन सारे बच्चे सीख पाएंगे क्योंकि आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो किसी को पिक्चर दिखा के किसी को एक्टिविटी करा के पिक्चर मतलब इमेज किसी को एग्जाम्पल्स देके तो अलग अलग तरीकों से जब आप सिखाते हैं तो सारे बच्चे सीख सकते हैं ये बात एकदम सही है मल्टीपल वेज में जब आप सिखाते हैं तो सिर्फ स्पेशल बच्चे सीखेंगे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं कोई विजुअली इंपेयर्ड हो सकता है कोई ऑडिटरी uh, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है सुनने में सिर्फ वो बच्चे सीखेंगे नहीं सारे बच्चे सीख सकते हैं तो सिर्फ स्पेशल क्यों लर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन यूनिफॉर्म मैनर में नहीं यूनिफॉर्म होता है जो पहनने वाली यूनिफॉर्म है सेम सबके लिए स्कूल में तरीके पढ़ाने की यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए वो डिफ्रेंशियटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए मल्टीपल वेज से पढ़ाइए एक समान तरीके से एक ही मेथड से पढ़ाओगे तो सबको एक डंडे से हाँकने पे हर बच्चे को समझ नहीं आ पाएगा तो ये गलत है यूनिफॉर्म मैनर में पढ़ाओ अगेन ये गलत हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन ही है एकमात्र जो सही उत्तर है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पर ये क्या कहता है भाई पढ़ो फटाफट से नॉट लिखा हुआ ध्यान से पढ़ना करवाएंगे इंग्लिश भी कविता थोड़ा लेवल को वास्ट कीजिए बहुत जल्दी है आपको है हर तरह के सवाल होंगे पिछले सेशन में मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे जो जरूरी है बस आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है वो मेरी जिम्मेदारी मैं किस तरह के क्वेश्चन डाल रहा हूँ किसी सेट में किसी तरह के क्वेश्चंस होंगे सब कुछ मिक्स एंड मैच होगा आप ये सेशंस से अगर प्रैक्टिस वाले थर्टी आउट ऑफ थर्टी लगा देते हैं आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना पेपर अपने आप सॉल्व होगा आपसे अगर आप समझ पा रहे हैं ये सेशन दिमाग में जा रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी वो बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द किसने दिया था सैमुअल किर्क ने uh, सीखने की अक्षमता वाले बच्चे जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है चाहे वो डिसलेक्सिया हो सकती है चाहे वो डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी विकार वो डिसग्राफिया हो सकती है लेखन संबंधी विकार राइटिंग डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं डिसफेजिया uh, हो सकती है लैंग्वेज को समझने में दिक्कत तो ऐसे बच्चों को शामिल करने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है नॉट अलाउेंस फॉर फ्रिक्वेंट ब्रेक्स बिटवीन टास्क एडीएचडी वाले बच्चे को यह चीज हेल्प करेगी जो कि हम कह सकते हैं कि यदि एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी बच्चा ज्यादा देर तक ध्यान एक जगह टिका के नहीं रख पाता तो उसको ब्रेक्स में पढ़ाओ पार्ट्स में तोड़ के पढ़ाओ लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट हो गया ठीक है एक्सटेंडिंग अलॉटेड टाइम फॉर टेस्ट अगर किसी बच्चे को दिक्कत है देखने में दिक्कत है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दो सही बात है या सुनने में दिक्कत है एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी होता है ऐसा प्रोवाइडिंग अ स्पेस विद मिनिमल डिस्ट्रैक्शन ऐसा एनवायरमेंट मान लीजिए आर्टिस्टिक बच्चा है तो वो बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो या बार बार उसको दिक्कत होगी आसपास की सराउंडिंग में अगर चेंज होगा तो ये भी ठीक है तीनों चीजें किसी ना किसी लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए ठीक है लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर असेसमेंट स्टैंडर्डाइज का मतलब ये फॉर ऑल Same for all. तो सेम फॉर ऑल तो सबको सेम डंडे से हाँकना बिल्कुल सही तरीका नहीं है आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है आकलन में लचीलापन लाना है अपने पढ़ाने के तरीके में भी और बच्चों को टेस्ट करने के तरीके में भी जो बच्चा देख नहीं सकता आप उसको ये नहीं कहेंगे तुम भी प्रॉपर ऐसे ही लिख दो आप वहां पर ब्रेल लिपि की बात करेंगे या ओरल टेस्ट ले लेंगे ले उसका मौखिक परीक्षा ले लेंगे ले ले क्योंकि देखने में दिक्कत है तो लिखने में दिक्कत होगी तो सबको सेम तरीके से आंकना जरूरी नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिएगा F -F -O -E, बहुत साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें ये बताई थी कि ये चार चीजें अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बहुत सही हो जाएगा ओरिजिनिटी एंड ऑफ आइडियाज आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग धारणाओं में लचीलापन यानी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं तो मल्टीपल आ रहे हैं एक तरीका काम नहीं कर रहा आप दूसरा दूसरा नहीं तीसरा ये लचीलापन है धारा प्रवाहिता क्या है मल्टीपल आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में ऐसा नहीं सिर्फ एक ही आइडिया आया है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पचहत्तर तरीके हैं ओरिजिनलिटी कुछ नए आ रहे हैं सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर दे रहे कि लेट्स पे ऐसे जाता था। चलो, सेम तरीका कॉपी पेस्ट मार देते हैं है ना तो ओरिजिनलिटी कुछ अपना नयापन है ऑफ आइडियाज आर टिपिकल आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग ऑफ किसकी पहचान है क्रिएटिविटी की ये क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हैं लक्षण है ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी फ्लुएंसी ओरिजिनलिटी ये सब एंड इलेबोरेशन जो इसमें दिया हुआ नहीं है कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी का कोई वो नहीं है तो फर्थ फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन ट्वेंटी वन देखिएगा ये क्या कहता है टीचर्स शुड फोकस ऑन यूज ऑफ डैश करिकुलम एंड डैश असेसमेंट शिक्षकों को डैश पाठ्यचर्या और डैश मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए भाई कैसी पाठ्यचर्या का फ्लेक्सिबिलिटी डी यानी संदर्भ से ही जुड़ी हुई ना हो ये सबसे नेगेटिव है योगात्मक नहीं रचनात्मक चाहिए लचीला और रचनात्मक यानी मल्टीपल वेज और फॉर्मेटिव जिससे फीडबैक मिले एक्टिविटी से ही आप आकलन कर पा रहे हैं तो टीचर्स को फ्लेक्सिबल करिकुलम स्टैंडर्डाइज नहीं फ्लेक्सिबल और फॉर्मेटिव जिसमें एक्टिविटी के माध्यम से आप जांच लें एक्टिविटी करा करके फ्रेगमेंटेड होता है टूटे फूटे टुकड़ों में डीकोटेक्सलाइज भी और यूनिफॉर्म कोई तरीका नहीं है तो एक ही ऑप्शन है जो पॉजिटिव है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ यानी बाईसवे सवाल की तरफ बाईसवा सवाल क्या कहता है अर टीचर शुड एनेबल स्टूडेंट्स टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बच्चे अच्छे सम, आ, समस्या समाधान करता बन जाए इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए पहला है जनरेटिंग फियर यानी भय उत्पन्न कर दो बच्चों में तो डर से कोई अच्छा समा, समस्या समाधान करता नहीं बनेगा इवन जो आइडियाज उसके दिमाग में आ रहे होंगे वो भी हट जाएंगे है ना इंड्यूसिंग स्ट्रेस एंड टेंशन होता है स्ट्रेस भर दो बच्चे के दिमाग में तो जो वो कर सकता है पेपर में हो सकता है वो उतना भी ना करे या जो समस्या का समाधान उसके दिमाग में आ रहा है वो आए भी ना होता है ना कई बार हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं फिर हम सोचते हैं यार ये चीज तो ऐसी सॉल्व हो सकती थी तब क्यों नहीं आया दिमाग में क्यों नहीं आया क्योंकि स्ट्रेस था आपका दिमाग और आपका दिमाग और आपके इमोशंस एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कॉग्निशन और इमोशन वाला टॉपिक है एनकरेजिंग यूज ऑफ पैसिव पैसिव मेमोराइजेशन तो जहां लिखा हुआ है गड़बड़ है मेमोराइजेशन यही रट्टा लगवा दो बस नहीं ये कोई तरीका नहीं है प्रॉब्लम सोल्व करने का प्रॉब्लम सोलविंग में अच्छा बनने के लिए बच्चे को एनकरेज करना है यूज ऑफ एनोलॉजिकल थिंकिंग समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करना है एनोलॉजिकल थिंकिंग क्या है किसी चीज से मिलते जुलते उदाहरण सोच पाए बच्चा अच्छा किसी जिस इससे पहले कोई प्रॉब्लम उसने सोल्व किया उसको किस तरीके से किया था उस तरह का कुछ सोच पाए है ना तो मल्टीपल वे सोच पाए एनोलॉजिकल थिंकिंग में क्या हो सकता है मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं कैमरे की तो हम कह सकते हैं भाई जो हमारी जो कैमरा है वो हमारी आंख के जैसा है जैसे आंख सब कुछ रिकॉर्ड करती है देखती है वैसे कैमरा भी करता है तो एनोलॉजी है एक तरह की समानता है यहाँ पे तो उस तरह से अगर बच्चा सोच पाएगा तो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा है ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिएगा क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री क्या कहता है देखना है एक बार द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड मेकिंग मीनिंग इन मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स इज फैसिलिटेटेड थ्रू यानी मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम करने के लिए जब आपको मीनिंग मेकिंग करनी हो और आपको बच्चे को क्या करना है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराना है तो बच्चों को रखना पड़ेगा एक्टिव जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है एक्टिव एक्सप्लोरेशन बच्चों को सक्रिय अन्वेषण कोई एक्टिविटी कराइए ठीक है सोशल इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन में बच्चों बच्चा अपने आसपास के बच्चों से टीचर्स से इंटरेक्ट करेगा बातचीत करेगा तो सीखेगा बच्चा एक्टिव है एक्सपेरिमेंट करते हुए भी प्रयोग करते हुए भी बच्चा एक्टिव है सक्रिय है लेकिन कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर है दो एक कम दो दो दुनी चार रट्टा लगवा दिया एक तरह से कंडीशनिंग कर दी आपने तो ये कोई भी एक्टिव तरीका नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड ही यहां सही है फर्स्ट सेकंड थर्ड है थर्ड ऑप्शन में कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं फोर्थ कह रहे हो कौन से नशे हैं भे कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बिल्कुल गलत है कंडीशनिंग शब्द भी जहां दिख जाए वो बच्चे की भलाई के काम का नहीं है एटलीस्ट सीटेट में तो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक इसके फायदे क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ेंगे सीटेट के बाद देखना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्या कहेगा कंडीशनिंग क्या है छोड़ो कंडीशनिंग क्या है आपको नहीं जानने की जरूरत है सीटेट में बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी विल नॉट िटेट स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल के कॉन्सेप्ट को बेहतर करने में कौन सी चीज हेल्प नहीं करेगी यानी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में कौन सी चीज खराब है तो पहला ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी आंसर फ्रॉम द्लैक ब्लैक बोर्ड एज इट इज बिल्कुल सही बात है एज इट इज कॉपी कर लो ब्लैक बोर्ड से एज इट इज लिख दो जो रट्टा लगवाया है इससे कोई भी अंडस्टैंडिंग बेहतर नहीं होती बच्चे की रट्टा फिकेशन रोट लर्निंग बेहतर होती है मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण अधिकम बेहतर नहीं होता आस्किंग स्टूडेंट्स के कोई जो चीज आपको एक्सप्लेन की गई है आ, या बताई गई है आपको आप अपने किसी दोस्त को समझाओ तो इसमें तो कॉन्सेप्ट अच्छा होता है जब आप किसी को समझाते हो पढ़ाते हो बताते हो थर्ड ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी चीज के बारे में बात करें नॉन एग्जाम्पल्स होते हैं जो इनडायरेक्टली बात करें जब हम चिड़िया की बात कर रहे हैं यानी जब हम बर्ड का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो हम बर्ड के एग्जाम्पल दें कि भाई ये कबूतर है ये कोई और बर्ड है है ना

ट्वेंटी फाइव क्या कहता है फटाफट से देख लेते हैं यह कहता है यानी मध्य मध्य विद्यालय विद्यालय का कोई खास यूज नहीं बस आप डायरेक्ट यहां से भी शुरू कर सकते हो शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों को इन वैकल्पिक भ्रांतियों को ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट को नाइव कॉन्सेप्शन भी कह देते हैं हम इंग्लिश में ऑल्टरनेटिव भी कह रहे हैं मिसकॉन्सेप्शन भी कह दिया जाता था बट मिसकॉन्सेप्शन कहना नहीं चाहिए ठीक है ना यानी बच्चा अपने अनुभव के आधार पे कई बार ऐसी चीजें क्रिएट कर लेता है दिमाग में जो साइंटिफिक नहीं होती जैसे जब, उसने, ताल, जब टीचर ने, उसने तालाब में देखा था हरे रंग का पानी क्योंकि उस पर जो काई होती है एक लेयर जम गई थी तो उसने सोचा हाँ हरे रंग का होता है पानी टीचर ने पढ़ाया वॉटर इज कलरस कि पानी का कोई रंग नहीं होता अब बच्चा कह रहा है पानी का रंग तो मैंने देखा है मैम ऐसा थोड़ी होता है मैंने तो होली पर देखा है पिंक कलर का पानी तो ये एक भ्रांति बन गई है उसके दिमाग में जबकि ये साइंटिफिकली सही नहीं है लॉजिकली सही नहीं है तो इस चीज को कैसे डील करें आप क्लासरूम में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन सकती है कि उसको ट्रेन में जाते हुए लगे कि पेड़ भी साथ में चल रहे हैं जबकि सच में नहीं चल रहे हैं मून के साथ साथ वो वॉक कर रहा है तो उसको दिख रहा है मून तो यार यहां भी था मेरी नानी के यहां भी और मेरी बुआ के यहां भी है तो मून तो मेरे साथ साथ चलता है जबकि ऐसा नहीं है तो ये क्या है कुछ ऐसी भ्रांतियां बन जाती हैं जिनको हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह देते हैं कि ये ऑल्टरनेट या वैकल्पिक तरीका है बच्चे के सोचने का इसको गलत नहीं कहते हम जबकि भ्रांति कहते हैं कि बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर ये चीज सोच ली है इग्नोर कर देंगे इनको नहीं अगर इग्नोर कर दिया तो बच्चे का गलत concept, गलत बना रह जाएगा जीवन भर पनिश करेंगे क्यों करेंगे संबोधित किया जाएगा क्लास में चर्चा होगी कि आपने कैसे पानी का रंग हरा देखा था और कैसे क्या होता है इस पर चर्चा होगी तब जाके वो चीज करेक्ट होगी क्योंकि ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिएगा ये क्या कहता है भाई हैं मस्तिष्क उद्वेलनशीलता यानी बच्चे ग्रुप में बैठे हैं और किसी प्रॉब्लम पे मल्टीपल जो जो उनके दिमाग में आ रहा है सॉल्यूशन वो वो टीचर बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं बाद में निर्धारित करेंगे किसी समस्या का समाधान क्या होगा कि मान लीजिए दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है तो बताओ क्या करें कोई बच्चा कहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए मैम कोई कहेगा गाड़ियों को बंद करा दो कोई कहेगा पैदल जाना चाहिए सबको कोई कहेगा ये कर लो वो कर लो फैक्ट्रीज बंद करा दो तो ये सारे आइडियाज आप लिखते जा रहे हैं बाद में किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे ये है ब्रेन जब आप ग्रुप में बैठ के प्रॉब्लम सोल्विंग के आइडियाज पर काम करता है ये एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दिया था ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिएटिविटी में हेल्प करता है तो बच्चे के इंटुएटिव गैसेस क्या है जो उसके अंदर से आ रहे हैं चाहे वो गलत ही क्यों ना हो तो आने दो एक्सप्रेस करने दो डिस्करेज करेंगे नहीं इग्नोर करेंगे नहीं पनिश करेंगे नहीं फैसिलिटेट करेंगे तो so, सुसाधित करेंगे जो उसके सहज अनुभवों से उसके एक्सपीरियंस के आधार पे जो भी सॉल्यूशन वो बता रहा है बाद में फिर उसको देखेंगे कि उसका करना क्या है एक्सेप्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखिएगा ये क्या कहता है द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है वो किससे बेहतर होगी या सुगम बनाया जा सकता है फैसिलिटेट किया जा सकता है किस चीज के माध्यम से फटाफट से देखना रेस्पॉन्स सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्वर्जेंट थिंकिंग फंक्शनल फिक्सनेस या मेकिंग इंट्यूटिव गैसेज अभी इसी की बात कर रहे थे ना इंट्यूशन से जो आए जो आपको लग रहा है अंदर से बच्चे को वो अपनी बात रखे क्लास में तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी क्यों क्योंकि वो मल्टीपल तरीके सोचेगा उसमें से मान लो दस में से नौ तरीके खराब है एक तो काम का निकलेगा कुछ तो उसके अंदर से मन में जो भी आ रहा है पूछ लिया कि अच्छा आ, ये शोर कम करने के लिए क्या करें या दिवाली पे ये हो रहा है या वो कुछ नॉइज पॉल्यूशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं कैसे कम कर सकते हैं तो उसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं बच्चे के मन में जो जो आ रहा है उसको निकलने दो फिर उस पर चर्चा करो तो ये सहज तरीका हो गया प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्विंग में हेल्पफुल है 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 लेकिन सेट 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 क्या होता है? है, आपने कभी कोई समस्या हल की थी किसी तरीके से उसी तरीके पर अटके हुए हैं आप एक ही तरीका है आपके दिमाग में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फंक्शनल फिक्सनेस क्या है तो ये नेगेटिव है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में डेटरी है यानी रुकावट बनता है ये पेपर में पूछा जा सकता है कि रुकावट क्या बनेगा

कई लोग इसको आ, अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं जैसे निशा बताएंगे किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं तो बेसिकली कई लोग इसको पेपर वेट की तरह यूज कर सकते हैं कि कई सारे पेपर्स रखे ऊपर से पेन रख दिया तो पेन का सिर्फ यही तरीका है कि सिर्फ उसको लिखा ही जा सकता है या कोई भी एक चीज जिसको ट्रेडिशनली जैसे यूज कर रहे हैं वही वैसे ही यूज की जा सकती है नहीं हम कहते हैं इंडिया में तो हम हम कहते हैं जुगाड़ का देश है मतलब हम इतने क्रिएटिव लोग हैं इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे अंदर है हम एक चीज के डिफरेंट डिफरेंट तरीके निकाल लेते हैं है ना घर में पुराने कपड़ों को नहीं फेंकता कोई कभी उनसे पूछा लग रहा है कभी फिर बाद में बाइक साफ हो रही है तो वो फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है वो क्रिएटिविटी है फंक्शनल फिक्सनेस में क्या है कि भैया अगर कपड़े हैं तो बस वो पहन लिए और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय कर दो उनको यहां वो जीवन भर यूज हो रहे हैं जब तक जीवित है मतलब कपड़े तो कैसे ही जीवित होंगे समझ रहे हैं ना फंक्शनल फिक्सनेस है कि, कि किसी चीज का जो तरीका दे दिया है बस वैसे ही यूज कर सकते हैं उसको जबकि बच्चा ऐसे नहीं करता बच्चे के लिए माउस सिर्फ क्लिक करने की चीजें नहीं वो तो फोन की तरह भी इसको यूज कर लेगा तो ये फंक्शनल फिक्सनेस मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है बस आप एक ही तरीका सोच पा रहे हैं जबकि इंट्यूटिव गैस में जो मन में आ रहा है उसके वो बता पाएगा जो कि सही है है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर देखिएगा देखिएगा ये क्या कहता कॉम्पिटिशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम देखो ये मिडिल स्कूल क्लासरूम हो और प्राइमरी क्लासरूम हो कोई फर्क नहीं पड़ता कॉम्पिटिशन जहां लिखा है यानी प्रतिस्पर्धा को बिल्कुल बढ़ावा आपको नहीं देना प्रतिस्पर्धा की जगह आपको सहयोग या कोऑपरेशन की बात करनी है बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं वो उसमें बेहतर करे कोई स्पोर्ट्स में बेहतर कर सकता है वो वहां करे ये नहीं है कि दूसरों से कॉम्पीट करने में ही आप लगाए रहे बच्चे को कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का हिस्सा बना दें तो एज अ टीचर आपको डिस्करेज करना है कॉम्पिटिशन को कहां पर शुड बी डिस्करेज एनकरेज नहीं इग्नोर्ड नहीं इग्नोर, इग्नोर करेंगे कैसे चलेगा एनकरेज नहीं कि विनर और लूजर्स होते हैं एंड ऑल नहीं शुड बी डिस्करेज सिंस इट इंक्रीज दी स्ट्रेस एंड एग्जाइटी बच्चा जो नेचुर क्षमता थी वो दब जाएगी उसकी क्योंकि आप सिर्फ शर्मा जी के बेटे से ज्यादा हो सकता है वो कुछ और वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता था आपने उसकी क्षमता को डेवलप ही नहीं होने दिया और जो मूवी है ना थ्री इडियट्स तो उसमें वो वायरस है वो कॉम्पिटिशन को भरपूर बढ़ावा देते हैं वो ऐसे टीचर है और बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे है ना अब उसके फायदे नुकसान अपने हैं लेकिन नुकसान ज्यादा है बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो उसका खुद का मन होता है वो कई बार दब जाता है तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर आगे बढ़ेंगे बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो ये एक सच्चाई भी है कि भैया यार उस पर नहीं जाएंगे आते हैं इधर क्वेश्चन लेकिन कुछ भी हो अगर आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करेंगे अपने ऊपर फोकस करेंगे बच्चा अपने इंटरेस्ट पे फोकस करेगा उस पर मेहनत करेगा तो अपने आप बहुत अच्छा कर रहा होगा जरूरी नहीं है कि वो चार लोगों को देख करके कि अच्छा इससे बेहतर बनना है इससे बेहतर बनना है इससे बेहतर बनना है इस अप्रोच से ज्यादा बेहतर है कि वो खुद से बेहतर बने हर दिन क्वेश्चन नंबर क्या है वेन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश देयर लर्निंग इज लाइकली टू बी पॉजिटिवली यानी लर्निंग पॉजिटिव होगी बेहतर होगी किस तरह का इमोशन फील करने पे शर्म महसूस करेगा यदि तो लर्निंग कहां से बेहतर होगी शर्म में तो वो बेचारा जो बात आती होगी वो भी नहीं कहेगा फियर नेगेटिव इमोशन तो हो नहीं सकता जिससे लर्निंग पॉजिटिव हो जाएगी पॉजिटिव इमोशन से ही तो लर्निंग पॉजिटिव होगी फियर भय से पॉजिटिव लर्निंग होगी नहीं रेटाफिकेशन हो सकता है जॉय ये बात एकदम सही है पॉजिटिव इमोशन है यदि बच्चा जॉय को एक्सपीरियंस करेगा उसको मजा आता है कि यार ये टीचर से पढ़ के एकदम मजा आ जाता है है ना कितना मजा आता है सीखने में भूल ही जाते हैं कि पेपर भी देना है तो ये क्या है अगर जॉय महसूस करेगा वो खुशी महसूस खुशी का अनुभव करेगा चाहे वो बैडमिंटन खेलते हुए हो चाहे वो आ, कोई कहानी पढ़ते हुए हो है ना जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट हो अगर लर्निंग को जॉयफुल हम बना पाएंगे तो पॉजिटिवली इंपैक्ट होगी लर्निंग ह्यूमिलियन उसको अपमान कर रहे हैं हम तो वहां नहीं चलेगी बात तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है जो लर्निंग को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा आज के लिए आखिरी सवाल यह है आपका आजर्शन और रीजनिंग स्टेटमेंट पढ़िए उसका जवाब दीजिए हम थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं निशा चाहिए बता रही हूं हाँ तो निशा ने बताया है कि पेन को पेन फाइटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे करते हैं हम भी करते थे याद होगा आपको यहाँ चार पांच पेन पड़े हुए हैं ऐसे डेस्क पे डाल के और टच ना हो जाए और उठाना होता था पेन याद आया कुछ तो पेन को सिर्फ पेन की तरह यूज़ करेंगे तो फंक्शनल फिक फिक्सनेस हो जाएगी हम इसको मल्टीपल तरीकों से यूज़ कर सकते हैं जिसमें से पेन फाइटर एक उदाहरण है जो निशा ने दिया है तब निशान नहीं बोली मैं इनको यही कह रही थी कहा क्यों नहीं कि मैं बोलूंगी मैं बताऊंगी देखो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन है एट्टी फाइव परसेंट लोग सही जवाब दे रहे हैं आई थिंक देखते हैं अभी मैम प्लीज़ टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराओ कल से कराएंगे कल डेवलपमेंट वाला टॉपिक उठाएंगे और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने वैसे प्रीवियसली सारे टॉपिक एक तरफ से कराए हुए हैं और उस समय कोई ऐसा आ, मतलब ये बहुत पहले के कराए हुए हैं आज से शायद दो साल पहले सारे टॉपिक मैंने आपको डेवलपमेंट से लेके पूरा सिलेबस वाइज सारे टॉपिक के क्वेश्चन कराए हुए हैं प्ले में मिल जाएगा अब मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा दूंगी पिछली बार भी कराती है हर साल ही कराती हूँ डेवलपमेंट पांच नंबर की वेटेज है तो हम कल डेवलपमेंट से ही शुरू करेंगे क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स भी हेल्प करते हैं अगर डेवलपमेंट आपने पढ़ लिया हो ठीक से तो ये लास्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट क्या है प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन एट्रीब्यूटिंग देयर सक्सेस सॉरी सक्सेस एंड फेलियर टू इंटरनल फैक्टर्स हेल्प देम टू वर्क ऑन देमसेल्व्स कंस्ट्रक्टिवली छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिले देखिए यहां आपको एक चीज समझनी है अब हर बार पूछा जाने लग गया क्वेश्चन कि आपकी जो सक्सेस एंड फेलियर है यानी जीत और हार है जिसको हम कह रहे हैं सक्सेस एंड फेलियर की जब हम बात कर रहे हैं जीत और हार की बात कर रहे हैं तो इसको देखने के दो नजरिए हो सकते हैं एक तो है इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल एट्रीब्यूशन और दूसरा है एक्सटर्नल यानी आंतरिक कारक वो बाह, बाह कारक एक्सटर्नल एक्सटर्नल यानी बाह्य ठीक बेटर क्या है बेटर है इंटरनल क्या आप अपनी कमियों को देखें यदि आप फेल हुए तो क्यों हुए आपने कहा कमी की क्या बेहतर किया जा सकता है तो बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस है ना तो यहां पे सेल्फ बच्चे का ध्यान खुद पे है इस, और एक्सटर्नल में क्या हो सकता है पेन अच्छा नहीं था चेयर अच्छी नहीं मिली थी माँ बाप अच्छे नहीं मिले थे बदलवा दो इनको है ना ये नहीं था परिस्थिति अच्छी नहीं थी फलाना अगर यही सब बातें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करते तो वो वो नहीं बनते जो वो बन पाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनते तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे पास हम एक्सटर्नल शिकायतें कर करके थोड़ी ना बदल जाएगा वो तो एक्सटर्नल में क्या टीचर खराब था पेरेंट्स खराब थे पेन खराब था हो सकता है हो लेकिन पूरा ध्यान हमारा एक्सटर्नल भी चला जाएगा तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं बेटर क्या है कि हम सक्सेस और फेलियर कि मैंने मेहनत की सक्सेस मिली फेलियर मैंने ठीक से मेहनत नहीं की फेलियर मिला है ना टीचर से तो बहुत सारे लोग हजारों लोग पढ़ते हैं कुछ ही लोग निकल के आ पाते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स खराब तरीका है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आपको सक्सेस और फेलियर को नहीं डालना है किस पे डालेंगे इंटरनल फैक्टर पे है ना ये चीज ध्यान में रखनी है अब हर बार एक क्वेश्चन इस पर आने लगा है ठीक तो देखते हैं क्या कहानी है तो इंटरनल फैक्टर पे एंट्रीब्यूट करना चाहिए जिससे बच्चे खुद पे मेहनत कर सके अगर आपने मान लिया टीचर की वजह से फेल हुए तो आप खुद तो ट्राई ही नहीं करेंगे खुद तो पढ़ेंगे ही नहीं अगली बार तो ये बात तो ट्रू है कि बच्चा खुद से मेहनत कर सके इसलिए इंटरनल फैक्टर क्योंकि आपके हाथ में इंटरनल फैक्टर है मेरे हाथ में मेरी किस्मत थोड़ी मैं किस्मत थोड़ा ना कोई किस्मत फोन थोड़ी लगा दूं किसी को मेरे हाथ में मेहनत है मेरी सिर्फ ठीक है ना तो आप खुद क्या कर सकते हैं ये इंटरनल फैक्टर जब आप खुद के बारे में देखेंगे तो वो इंटरनल फैक्टर है इसका रीजन क्या है इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर हेल्प इंडिविजुअल्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय वर्किंग हार्डर सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं अगर हम सफलता और असफलता का कारण ये ऊपर वाला पढ़िए छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर क्या होगा प्रोत्साहन मिलेगा कि उन्हें खुद पे क्या काम करना है ठीक है ना और सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करेंगे अगर वो आंतरिक रूप से देखना सफलता को और असफलता को भी तो दोनों बातें सही है इसका रीजन सही है फर्स्ट इज़ द राइट आंसर आउट ऑफ थर्टी कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए वो आप बताएंगे कॉमेंट करके इसके अलावा कोई और आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं ये पीडीएफ विद आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कल और अगर आप सी के बैच में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो करियर विल ऐप डाउनलोड करके आप वो भी कर सकते हैं और वेबसाइट से लीजिएगा कोर्स अगर आप ऐप से लेंगे तो आपको 20 परसेंट महंगा पड़ेगा ये गूगल की पॉलिसी है है ना तो ये एक बेसिक सी बात हुई और वहाँ में सीडीपी कंप्लीट आपको थर्टी आउट ऑफ थर्टी टॉपिक वाइज प्रॉपर डिस्कशन चल रहा है आउट ऑफ थर्टी कितने ठीक हुए क्वेश्चंस वो आप कमेंट्स में बता करके जाएंगे और कल मिलेंगे डेवलपमेंट टॉपिक करेंगे जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं डेवलपमेंट के वो उस पर हम चर्चा करेंगे कल कर, ठीक है जी पेपर टू हो पेपर वन हो कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो सेशंस 9 बजे हो रहे हैं डेली सवा नौ तक हम शुरू कर देंगे कोशिश रहेगी 9 बजे करा पाऊँ शुरू बट मेरी बैचेस में भी क्लासेस हैं बैक टू बैक तो वो 9 बजे हो नहीं पा रहा है शुरू सेशन लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी ही हम 9 बजे पे आ जाएं सवा नौ की बजाय थोड़ा लेट हो जाता है रात को अगले दिन लोगों को कई लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या काम है बच्चे हैं तो जल्दी ही सोना होता है सीटेट क्लियर करने के बाद क्या करना होता है बहुत कुछ है तो करने को प्रिया जैसे बहुत सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए है ना प्राइवेट स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं देर आर सो मैनी थिंग्स टू डू आफ्टर क्लियरिंग सी टेट ऐसा नहीं है कि जस्ट सी टेट हो गया तो काम खत्म है ना चलिए खैर और कोई बात हो तो आप बता सकते हैं अब हम डेली मिलने की कोशिश पूरी है हमारी ट्वेंटी सिक्स आउट ऑफ थर्टी ट्वेंटी सेवन आउट ऑफ थर्ट देखो ज्यादातर लोगों ने सेवेंटी फोर परसेंट लोग बीस में से बीस तो, से तीस के बीच में स्कोर रहा है और नौ परसेंट लोग हैं जिनका जीरो से दस के बीच में भी रहा है या तो वो बाद में आए होंगे दस से बीस परसेंट लोग तो, सत्रह परसेंट लोग हैं जिनका दस से बीस बीस से तीस से ठीक है स्कोर कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आप आए वेलकम नहीं करोगे अरे कर वेलकम आप नए हैं आप सभी का वेलकम है अभी इनफ टाइम है अगर आप डेली सिर्फ सेशंस भी देखते रहोगे तो काम बन जाएगा यहाँ सारे सही हो जाते हैं पेपर में नहीं हो पाते हैं तो आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं जिसको हम सेल्फ स्टडी कहते हैं ना आम भाषा में वो भी करिए साथ साथ चलिए तो टेक केयर बाय बाय गुड नाइट कल मिलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आया हो कॉमेंट्स में बता दीजिएगा आउट ऑफ थर्टी कितना स्कूल